नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपने जो टेक्निक के ऊपर जो हम देने वाले हैं वीडियो, उसमें से पहला वीडियो है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी और आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। क्योंकि एक ऐसा वर्ड है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वो बहुत नेगेटिव है। वो वर्ड है ट्राई। ट्राई कभी काम नहीं करती। ट्राई का मतलब होने वाला नहीं है। रिमूव दिस वर्ड ट्राई। अब बोलोगे ट्राई से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अब बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैं किसी स्पोर्ट्समैन के साथ काम करता हूँ ना, सबसे पहले ये ट्राई वर्ड निकलवाता हूँ। ट्राई का मतलब क्या है? कोशिश करना। अगर अंदाज लगाइए, आपने किसी से पैसे लेने हैं और उसने बोला कि आपने मांगा पैसे, वो बोलता है ओके कल शाम को फ़ोन करना, आई विल ट्राई टू गिव यू, मैं कोशिश करूँगा देने की, आई विल ट्राई टू गिव यू, उसका मतलब क्या है? डाउटफुल है। अगर ये वो बोलता कि मैं आपको आइए कल दूंगा, वहाँ पे ट्राई वर्ड नहीं है, इसका मतलब वो पक्का देगा। ट्राई का मतलब डाउटफुल है। ट्राई नेवर वर्क्स। तो दोस्तों, ट्राई वर्ड अपने लैंग्वेज से निकालना है। ट्राई जब वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग अपन खुद भी, तो उसमें कई चीज़ें होती है। पहली चीज़, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी एनर्जी वीक हो जाती है, आपका वॉइस चेंज हो जाता है और जो पिक्चर आपके दिमाग में चलती है वो भी नेगेटिव हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक केस का। बहुत साल पहले, करीब 25-26 साल पहले, मैं एक इंडियन क्रिकेटर के साथ काम कर रहा था जो टेस्ट मैच खेला और बाद में, अभी तो रिटायर हो गए वो, और बहुत बड़े प्लेयर थे। तो एक मैच में मैं था वहाँ पे, मैच के टाइम पे मिलने गया था उनसे, टेस्ट मैच के टाइम में। तो पहले इनिंग में अच्छा नहीं खेले थे, तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे, तो मैं मिला उनको, बोला कुछ सेशन चाहिए क्या? बोला नहीं, आई एम ओके, फंटास्टिक। जब मिलने के बाद निकलने लगा तो मैंने इससे बोला प्ले वेल टुमारो, उसने बोला आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसने क्या बोला? ट्राई माई बेस्ट। जैसे ही उसने बोला माई ट्राई माई बेस्ट, मैंने उसकी तरफ देखा, क्या ट्राई? और वो समझ गया ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना है। उसने इमीडिएटली चेंज किया, नहीं आई विल प्ले माई बेस्ट। उसका वॉइस चेंज हो गया, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, उसका कॉन्फिडेंस चेंज हो गया। और नेक्स्ट डे मैं मैच देख रहा था, उसने हाइएस्ट रन बनाए थे इनिंग में, हाइएस्ट रन बनाए थे। तो जब ट्राई वर्ड अपन यूज़ करते हो तो अंदर से वीकनेस होती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे होती है, आप बोल रहे हो। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो में मेरे लाइव सेमिनार में। उस लाइव सेमिनार में एक शख्स को बुलाता हूँ स्टेज पे और उसका हाथ ऐसे करवाता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ, देखेंगे आप वीडियो में, और पहले टेस्ट करता हूँ स्ट्रांग है, फिर मैं बोलता हूँ ट्राई टू रजिस्ट। वर्ड यूज़ किया ट्राई टू रजिस्ट, ट्राई टू बोलते हैं वो वीक हो जाता है, फिर बोलता है रजिस्ट, ट्राई निकाल दिया, रजिस्ट बोलता है स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। आप ये टेक्निक देखो और अपने जान पहचान वालों पे करो भी, तो पता चलेगा ट्राई का मीनिंग क्या होता है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे लाइव सेमिनार के वीडियो क्लिपिंग पे। That is why he is confident, not sometimes. But only when you go back home, it is not there. Why be around? Press, register, ji. Register. Good. Now, relax. Now, again, when I ask you to lift it, try to register. Try. Become weaker. Try never works. Huh? Now, relax. Now, register me. Register. Different, huh? Again, try to register. See, trying never works. Trying is negative. Hope is negative. Trying is negative. अब देखा आपने दोस्तों लाइव सेमिनार में क्या हुआ। जैसे ही मैंने बोला ट्राई टू रजिस्ट, वो वीक हो गई। मैंने कहा रजिस्ट बोलते ही वो स्ट्रांग हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी यूज़ ट्राई मत करो। या तो बोलो मैं कर सकता हूँ या नहीं करूँगा। कोई बोलता है आपको शाम को कल मिलना है, मैं मिलूँगा या नहीं मिलूँगा, ये नहीं बोलना मैं ट्राई टू। ट्राई इज नेगेटिव। ट्राई एकदम निकाल दो। इससे अपने बॉडी पे, माइंड पे, सब पे इफेक्ट करता है। अब आप बोलोगे दूसरे लोग जो बोलते हैं ट्राई, तो मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब कोई बोले ना कि आई विल ट्राई टू मीट यू टुमारो, मैं कल शाम को 5 बजे आपसे मिलने की कोशिश करूँगा, उससे पूछो भाई मिलो या ना मिलो, ये बोलो। ट्राई नहीं चलता मेरे पास, ये बीच वाली बात नहीं चलती मेरे पास। या तो बोलो मैं कल शाम को मिल रहा हूँ या मैं नहीं मिल रहा हूँ, इतना ही करना है।
और ये वर्ड ट्राई निकाल दीजिए अपने वोकैबुलरी से। आप देखोगे जैसे ही आप ट्राई निकाल के दूसरे वर्ड यूज़ करना शुरू करोगे, पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना शुरू करोगे, आपको लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे और मज़े आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक वीडियो देखिए एक बार फिर, और जो एक्सरसाइज मैंने कराई है वहाँ पे आपने देखी है, आप खुद भी कराइए। और याद रखिए, ट्राई टू रजिस्ट या ओनली रजिस्ट, दोनों में फ़र्क आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक से करोगे तो मज़ा भी आएगा करने में और आपको मालूम पड़ेगा पावर कितना है। तो ट्राई वर्ड एकदम निकाल दीजिए और फिर मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।